हाँ जी, की हाल चाल? बढ़िया सब। यार आज हम करने क्या वाले, ये जो फ्रूटी है ना, ये फ्रूटी आप सभी ने कभी ना कभी तो पियोगी, बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है और रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अभी जैसे गर्मियों का टाइम आ रहा है, खासकर होली आ रही है, होली पे घर पे कोई भी आएगा तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन है चलनी। कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ पता नहीं क्या क्या चलता है, मतलब पकौड़ी सब्जी खाना ये सब चलता है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, ये जो कपड़े मैंने पहने हुए, मतलब ये वाले नहीं एग्जैक्टली, ये नहीं बट दूसरे कपड़े, जैसे यहाँ पे पड़े, ये देखो क्या क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो क्या है यहाँ पे। एक है टी शर्ट, ये देखो रेड कलर की है, इसके ऊपर और कोई कलर नहीं है, ये रहा। और इधर एक है ये नॉर्मल बनियान जो अभी गंदा हुआ हुआ है, तो एक गंदा हमने लिया कि साफ़ हो सके। और ये यहाँ पे एक टी शर्ट है, ये देखो ये एक टी शर्ट है वाइट कलर की। तो ये तीन कपड़े आज हम धोने वाले हैं वॉशिंग मशीन में फ्रूटी के साथ। अब फ्रूटी देखते हैं कि इन कपड़ों को साफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर मैं फ्रूटी की बात करूँ तो देखो यहाँ पे फ्रूटी रखी हुई है, इन सब फ्रूटी को हम यहाँ पे डालने वाले हैं। और मैं फ्रूटी में आपको दिखा देता हूँ फ्रूटी में क्या चीज़ होती है। इधर देखो, रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेज होती है, कंटेन्स फ्रूट है और इंग्रेडिएंट में आता है, इसमें वाटर होता है, मैंगो पल्प होता है, शुगर होता है, एसिडिटी रेगुलेटर है और प्रिजर्वेटिव है और एंटीऑक्सीडेंट है। हमें इन सबसे ज़्यादा काम नहीं है शुगर वाटर वगैरह से, मतलब पानी से तो धुलती है ये चीज़। और जो हमें देखना है, कंटेन्स परमिटेड सिंथेटिक फूड कलर, मतलब इसके अंदर है फूड कलर, खाने का रंग जो है ना वो इसके अंदर है। अगर खाने का रंग इसमें है वो कितना ज़्यादा असर डालता है, मतलब अगर हम उसमें कपड़े धोंगे तो कपड़ों के ऊपर कितना ज़्यादा कलर आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम इस कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं तो ये जो कलर है ये हमारे अंदर भी जा रहा है और कहीं ना कहीं बॉडी में क्या असर देता है, बॉडी में ये एब्जॉर्ब होता है कलर या नहीं होता, वो सब आज हम चेक करने वाले कपड़ों पर टेस्ट करके। तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने वाले, और अंदर देख लो एक बार, देखो अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली, और सिर्फ ये तीन कपड़े जा रहे हैं, एक दो तीन, ये रहा। तो अभी यहाँ पे क्या करना, मुझे इधर पाइप लगता है तो पाइप को तो हम लगा नहीं रहे, यहाँ पे पाइप लगता है ना, तो अभी हम पाइप वाइप कुछ नहीं लगा रहे, हम सीधा कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे डालने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो है मशीन में, वॉशिंग मशीन में पर्याप्त मात्रा में फ्रूटी आ चुकी है, मतलब जितने कपड़े उस हिसाब से हमने डाल दिया। अगर ऑटोमेटिक होती तो वहाँ बड़ी दिक्कत आती, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती क्योंकि वो पानी अपने हिसाब से लेती है और अपने हिसाब से काम करती है, बट ये मैनुअल है, मैनुअल में जैसे हम चाहेंगे वैसे होगा। तो यहाँ पे फ्रूटी आ चुकी है, पूरे के पूरे जो कपड़े हैं भीग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे घुमा देना है और घूमते ही देखो, तो यहाँ पे मशीन चालू हो चुकी है और मैं टाइमर लगा रहा हूँ अभी यहाँ पे 15 मिनट का। तो 15 मिनट बाद देखते हैं कि कपड़ों पर क्या असर आया। तो अब इसको छोड़ देते हैं, 15 मिनट तक ये घूमती रहेगी और देखते हैं कपड़ों पे क्या रंग चढ़ेगा या जो भी चीज़ होगी ना, सब कुछ आपके सामने रहेगी। तो यहाँ पे ये मिक्सी है और ये कोल्ड ड्रिंक है जो हमने इसमें डाली है। तो पांच बॉटल फ्रूटी की जा चुकी है और एक फ्रूटी की आती है लगभग 2 लीटर की है ना, ये होती है भाई, हाँ देखो 2 लीटर की, देखो दिख रहा ना। तो 10 लीटर फ्रूटी में कपड़े धुल रहे हैं तीन, तो बहुत महंगे कपड़े धुल रहे हैं। एक फ्रूटी आती है 100 रुपये की आती है ना, हाँ ये देखो, अगर आपने नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 100 रुपये का प्राइस इसका, तो 100 रुपये में 500 रुपये की फ्रूटी हमने डाली है और देखते हैं कितने में कपड़े धुल के तैयार होते हैं। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, थोड़ी देर ही मिक्सी चली है और जो फ्रूटी का कलर है ना वो येलो से ब्राउन से होने लगा, मतलब फ्रूटी का रंग बदलने लगा। कपड़े इतने गंदे थे तो वो जैसे जैसे मिक्स हुआ, अभी पता नहीं हमें क्या पता फ्रूटी से कपड़े धुल जाए, क्योंकि इसमें चीनी है, बहुत ज़्यादा चीनी है, चिपचिप हो जाएंगे। तो जब हम इसमें सुखाएंगे तो ऊपर से हमें पानी ऐड करना पड़ेगा उन्हें धोने के लिए, फिर देखते हैं अभी। बट इसमें हमने पानी ऐड नहीं करा, इसमें प्योर फ्रूटी है, कोई साबुन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फ्रूटी यहाँ पे है। उसके बाद जब पानी में निकाल देंगे फिर देखते हैं कि क्या फ़र्क आने वाला है। तो अभी यहाँ पे फ्रूटी का कलर देख लो, ब्राउन हो चुका है, येलो था और ये ब्राउन हो गया। अगर मैं रोक के दिखाऊं, देखो ये देख रहे हो फ्रूटी का कलर कैसे चेंज हो गया, बट कोई नहीं, इसको कंटिन्यू रहने देते हैं। तो अभी जो टाइमर है वो 0 पे आ चुका है, मतलब 15 मिनट से ज्यादा, पहले 15 पे थी फिर दोबारा मैंने ऑफ करने के बाद कर दिया था, तो लगभग 15-17 लगा लो, तो 15 मिनट तक कपड़ों की धुलाई हो चुकी है। और मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि कपड़ों में काफ़ी चेंज हुआ है और जो फ्रूटी है, फ्रूटी देख रहे हो पूरा का पूरा उसका ब्राउन कलर सा आ चुका है। तो फ्रूटी का तो बिल्कुल ऐसे बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया और जो कपड़े हैं यार इसकी स्मेल भी ख़राब हो गई, मैं सच बता रहा हूँ। इसकी जो फ्रूटी की नॉर्मल स्मेल आती है ना, उसमें अरोमा होता है, मतलब बहुत ऐसे फ्रूटफुल सी स्मेल आती है, अच्छी सी स्मेल होती है, बट इसमें जो है बदबू आ रही है, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे फ्रूटी जो है 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ऐसे हो गया, जैसे आपने आम पापड़ खाया हो ना, आम पापड़ कई दिन का रख दिया हो या आम पापड़ में कुछ मिला दो, ऐसी कुछ आम पापड़ सी, पर बदबू सी आ रही है, इसमें इतनी अच्छी स्मेल नहीं है। और जो कपड़े हैं, कपड़ों को देख लेते हैं अभी,
हाँ ऑब्वियसली ये तो होना ही था, बहुत ज़्यादा चिपचिपे हैं कपड़े, तो अभी बिना धोए देखते हैं क्या हाल हुआ है यहाँ पे शर्ट का। ओहो, तो शर्ट पे येलो कलर तो आया है, फूड कलर, बट इतना नहीं है जितना मुझे लग रहा था ना कि फूड कलर है बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो उतना ज़्यादा तो नहीं है। बाकी शर्ट का भी इतना इतनी गंदी थी नहीं, जो बनियान था वो बहुत ज़्यादा गंदा था। इसको देख लेते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ा है। ओके, तो जो बनियान है वो पूरी तरह से गंदा है, जैसा था बिल्कुल वैसा है, तो इस पर तो कोई फ़र्क आया नहीं है। एक बार इन्हें पानी में निकाल देते हैं, अभी तो फ्रूटी में थे ना, तो एक बार पानी से निकाल देते हैं। तो पता, इसको जो टच करने ना, ये बड़ा स्क्वीशी सा है, मतलब जैसे कैसे बताऊँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मीठा मीठा सा हो गया होगा, तो मीठा मतलब टेस्ट की तो बात ही नहीं चल रही, बट चिकना चिकना सा हो रहा है। जैसे कैसे बताऊँ, ऑर्बिस थी ना, ऑर्बिस को भिगो देता है जब उन्हें टच करता है, बिल्कुल वैसा ऑर्बिस जैसा फील हो रहा है कपड़ा। तो देख रहे हो फ्रूटी टपक रही है, फ्रूटी कपड़ों को निचोड़ के फ्रूटी निकल रही है यार, ये देखो। तो यहाँ पे जो है ये फ्रूटी, जो अब देखो फ्रूटी का कलर क्या हो गया। अब कपड़े मैंने हटा दिया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे फ्रूटी का जो कलर है वो कैसा हो चुका है, पूरा का पूरा डार्क हो गया एकदम अलग। तो फ्रूटी पूरी गंदी हो चुकी है, अगर मैं हाथ में निकाल के दिखाऊँ तो शायद आपको समझ आए। ये देखो ये हाथ में, और ये देख रहे हो कितना ज़्यादा डार्क हो चुकी है, फ्रूटी ऐसी बिल्कुल नहीं होती। तो अभी हमें क्या करना है, इनको एक बार पानी से निकाल देते हैं। तो पानी लेके आता हूँ मैं। तो ये आया पानी, और सही बताना यार, आपके यहाँ भी ऐसे होता है ना कि घर पे अगर पेंट हुआ तो पेंट का जो बाल्टी होती है उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं, मतलब ये बहुत मजबूत बाल्टी है। तो अभी यहाँ पे हम ये करते हैं, ये जो कपड़े थे इसको मैं डाल देता हूँ उसमें। कुछ तो साफ हुए हैं, क्योंकि कपड़े में क्या था, ऐसी मिट्टी नहीं थी किसी भी कपड़े में, नॉर्मल गंदे थे, बट ये जो था फ्रूटी का कलर वो येलो था, और कपड़े में वाइट भी था रेड भी था, आपको देखने में भी लगा होगा। सिर्फ ये कपड़ा थोड़ा गंदा था जो बनियान था, बट इतना ये भी नहीं था। वहाँ धुलने के बाद यहाँ पे भी आई, और ये देखो पानी का कलर कैसा था और कैसा हो चुका है, ये देख रहे हो इसमें हल्का पीलापन है, बट गंदे जो थे पता नहीं कैसे, बट फ्रूटी ने थोड़े थोड़े तो इनको साफ कर दिया है। अभी इनको सुखा लेते हैं एक बार। तो भी यहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, इधर से देखो निकल जा, आया ही नहीं। तो इसको भी कर देता हूँ मैं, यहाँ से तो निकलेगा, ये आया। तो देख रहे जितना आ रहा है ना, ओ ये गंदा गंदा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो निकल रहा है ना, इसमें फ्रूटी जा रही है, ये जो है ना ये सारी की सारी फ्रूटी है, समझ रहे हो, और कुछ पानी इसका निकल रहा है, इतना सारा मतलब फ्रूटी। अब बड़ा अजीब लग रहा है, बट देखते हैं कपड़े सूखने के बाद कैसे लगने वाले हैं। ये देखो फ्रूटी पूरी की पूरी यहाँ से निकल गई, सारी की सारी खाली हो गई। अब देखते हैं जो कपड़े हैं ना उनका क्या हाल हुआ है। तो ये एक शर्ट थी, और ये देखो कैसी हुई है, इसमें हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा पीलापन, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो लाइन से दिख रही है ना हल्की हल्की, शायद कैमरे में नहीं आए, बट ये जो है ना ये पीला है, ये जो है हल्का हल्का कपड़ा जो है वो पीला पड़ चुका है, सफ़ेद से ये हमें क्लियर पता चल रहा है। और रेड वाले को देख लेते हैं, और यहाँ देखो ये रहा, ये रेड कलर का जो शर्ट था ना, अभी ये देखो कि ये कैसा हुआ है। रेड पे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, येलो का रेड का कुछ ऐसा असर आया नहीं है, और जो इसकी स्मेल है कपड़े की, पूरी की पूरी फ्रूटी वाली स्मेल आ रही है, बट यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल थी, जब इसमें इकट्ठी थी ना तो उसकी गंदी स्मेल थी, बट अभी काफ़ी सही स्मेल आ रही है इसमें। और ये जो था ये भी यार थोड़ा सा साफ़ हुआ है, अभी गीला है तो शायद आपको नहीं लग रहा होगा, बट ये पहले बहुत ज़्यादा गंदा था, बट अभी काफ़ी हद तक ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी हद तक कहाँ थोड़ा थोड़ा ही साफ़ हो चुका है। तो आज हमें पता चल गया फ्रूटी से कपड़े धोने पे क्या होता है, जब फ्रूटी से कपड़े धोते ना तो कपड़े एकदम से चमकने जैसे कुछ नहीं होता, तो कपड़े फ्रूटी से बिल्कुल मत धोना। ये एक आइडिया था, फन आइडिया था, कुछ मजाक वाली चीज़ थी कि एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, पीलापन चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। बट हाँ, जो पीलेपन वाली बात थी ना वो सच है, वो इस शर्ट पे, इस टी शर्ट पे हल्का हल्का पीलापन तो ज़रूर आया। तो जो फूड कलर है वो हल्का हल्का सा यहाँ पे आया है, बाकी फ्रूटी से कपड़े बिल्कुल नहीं धुलते। अगर आपको इस वीडियो में आया ना मजा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। हम मिलेंगे आपसे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।